देखिए, फाइनेंस एक्ट 2021 में एक चेंजेस आया, और वो चेंजेस क्या आया कि भैया परचेज्ड गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता था, लेकिन परचेज्ड गुडविल पर लग जाता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 ने कहा कि परचेज्ड गुडविल पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब अगर यही बात कही होती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन बात केवल ये नहीं हुई। बात ये हुई कि हम उसका क्या करें जो पहले से हमारे इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक के अंदर गुडविल की वैल्यू आई हुई है, उसका क्या करें। पहले से ही हमारे पास बहुत सारी असेट है, क्योंकि हमारे पास इंटेंजिबल असेट के ब्लॉक में 25% का डेप्रिसिएशन लगता है, और जितनी भी इंटेंजिबल असेट होती है सब उसके अंदर आ जाती है। सपोज 2 साल पहले, 3 साल पहले की कोई गुडविल है, वो हमारे अंदर है, हमारे ब्लॉक के अंदर है, और हम ये कह रहे हैं कि अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो उस ब्लॉक में से उस गुडविल की वैल्यू को भी तो हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटाएं, ये सब कुछ हमें बता रखा है, तो इसमें डिटेल में देखते हैं। और बहुत सिंपल से 2-3 एग्जाम्पल में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको कहीं पर ये सारे टॉपिक छोटे छोटे स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलेंगे। अमेंडमेंट क्या है कि इनकम टैक्स ने कहा कि अब आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाएंगे इवन परचेज्ड गुडविल पर। तो ये अमेंडमेंट कैसे काम कर रहा है, इन्होंने सेक्शन 2 में डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में गुडविल को बोल दिया सीधा सीधा कि इंटेंजिबल असेट के अंदर गुडविल अब नहीं होगा, तो वो हटा दिया। इन्होंने अलग अलग सेक्शन में, मैंने आपसे रिलेटेड कुछ रिलेवेंट सेक्शन ही लाया हूं, वरना और भी बहुत सारे सेक्शन में चेंजेस आए हैं। और क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन के सेक्शन में लिखा है कि आप इंटेंजिबल असेट के अंदर गुडविल को हटाइए, जो गुडविल है हमारी। और सेक्शन 43 में क्या बोला है कि जब WDV निकालेंगे आप, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 से आया है, तो इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से आप क्या करेंगे, जब WDV निकालेंगे तो एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा आपको, ओपनिंग WDV जो 1 अप्रैल 2021 की होगी, उसमें से WDV हटानी पड़ेगी, गुडविल की WDV हटानी पड़ेगी जो इसके अंदर इंक्लूड है। अब वो कैसे हटाओगे, आप ये मानो कि इकलौती ये गुडविल की एसेट, जिस दिन आपने गुडविल खरीदी ना उस दिन से मानो ये अकेली थी एसेट, और इस पर 25% का डेप्रिसिएशन लगाते 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 1 अप्रैल 2021 तक आओ, और जो वैल्यू आएगी वो WDV से हटा दो। और पता है आपको बहुत अजीब सा अभी लगेगा, और एकदम आप हैरत में पड़ जाओगे कि ये क्या हुआ। इसकी वजह से हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी निकल जाए सेक्शन 50 में। क्यों, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल एसेट पर नहीं लगाते ना, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अभी हम देखेंगे, आप एकदम बहुत मजा आएगा, आप कहोगे ये क्या हो गया, तो आपको मैं बताऊंगा कि ओपनिंग WDV जो होती है उसके अंदर कुछ असेट की नेगेटिव WDV इंक्लूड होती है, कुछ की पॉजिटिव, अभी हम वो भी देखेंगे। तो एक रूल आया, रूल नंबर 8AC, जिसने हमें गाइड किया। उन्होंने बताया रूल ने कि आप कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालोगे या WDV निकालोगे अगर हम गुडविल को हटाएंगे, तो कैसे होगा ये हम अलग अलग केस से सीखते हैं। तो मान लेते हैं केस नंबर 1 है कि गुडविल ही है एसेट में और कोई है ही नहीं, ब्लॉक ऑफ द एसेट में क्या है, गुडविल, और कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास केवल और केवल गुडविल है तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं। रीजन बीइंग, हमें पता है कि भैया गुडविल है तो उसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन लगने वाला नहीं है, और जब कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो उसकी WDV भी नील लेनी है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हमें क्या लेना है, नील। तो ये बात तो तय हो गई। तो ये वाला केस तो बहुत सिंपल हो गया हमारा, कि हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है, नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर 2021 में भी आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और ओपनिंग WDV 1/4/21 की भी निल हो जाएगी। तो 1/4/21 की WDV निल हो जाएगी, पुराना डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा नहीं। तो ये काम कैसे होगा इसे देखते हैं। गुडविल केवल एक ही एसेट है, 31 मार्च 20 को उसका WDV 10,000 रुपीज है। तो अब हमें क्या करना है, 1/4/20 को WDV, ओपनिंग WDV 10,000 है, यह हमें दिया हुआ है,
प्लस क्या करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो कुछ नहीं है। माइनस करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो नहीं है कुछ भी। तो ये हमारा 10,000 आ गया। तो अब तक हम क्या करते थे, 10,000 के ऊपर हम क्या लगाते थे, डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां पर क्या बोला क्या कि भैया आप एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करो। किस वजह से आप एडजस्टमेंट करो, रूल 8AC की वजह से, रूल 8AC। और ये रूल नंबर 8AC क्या कहता है कि आप मानो इकलौती एसेट थी गुडविल आपके पास और इसकी WDV का पता लगाकर हटाओ यहां से। तो जब एक ही एसेट है तो उसकी WDV भी 10,000 ही है, तो इसे हटा दो यहां से। इसे आपने हटा दिया तो आपकी एडजस्टेड WDV क्या आ गई, निल। और इस पर डेप्रिसिएशन क्या आ गया, निल। तो ये तो जीरो हो गया। तो हमारे पास एडजस्टेड WDV निल हो गई और डेप्रिसिएशन भी निल हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, इजी वाला। इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जब हमें पता है गुडविल के ऊपर कुछ लगना नहीं है अब डेप्रिसिएशन। तो जो गुडविल, अगर इकलौती गुडविल नाम की एसेट है तो वो तो निल हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ये बात ध्यान रखिए कि हमें जो 2021 प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 22-23 ऑनवर्ड्स तो बात ही अलग है, हमें 2021 प्रीवियस ईयर का भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत मजेदार है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने वाला जो इंटेंजिबल ब्लॉक है उसके अंदर गुडविल भी है और दूसरी ओर असेट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक में इंटेंजिबल एसेट में हमारे पास गुडविल भी है और अदर एसेट भी है। तो हम WDV को हटा देंगे। कौन सी WDV, गुडविल की WDV को 1420 की WDV से हटा देंगे, एज्यूम करते हुए कि वो इकलौती एसेट थी, उसे हटा देंगे। और WDV 2021 के ब्लॉक से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो WDV हमें दे रखी है, तो 1420 को ओपनिंग WDV आएगी। ये हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, यहां से शुरुआत होगी हमारी। तो ओपनिंग WDV हमें दी हुई है 12,000। इसके अंदर WDV गुडविल की 10,000 है, अदर है 2,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने न्यू असेट खरीदी वो कुछ भी नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ असेट सोल्ड नहीं है। तो हम 12,000 के ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते थे, लेकिन अब हमें एडजस्टमेंट करनी है रूल नंबर 8AC की वजह से। तो 8AC की वजह से हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो क्या करते हैं कि हम WDV हटा देते हैं गुडविल की, और गुडविल की WDV हमें दे रखी है 10,000, इसे हटा दिया। हमारी एडजस्टेड WDV आ गई 2,000 और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं अंडर सेक्शन 32 इंटेंजिबल एसेट पर 25% लगता है। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 500, और WDV 1421 की क्या आ गई, 1500। तो ये काम हमने सीख लिया। लेकिन अब सबसे मजेदार एग्जांपल आया, ये एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ चीजें सिखाएगा। एक साल पुरानी डेट से मैंने शुरुआत करी है यहां। WDV हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को 12,000, जिसके अंदर गुडविल है 10,000 और अदर असेट है 2,000। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 19-20 हमने एक और असेट खरीदी है 5,000 की और एक असेट बेची है 9,000 की। अब इसको कैसे हम करेंगे, उसके लिए हम शुरुआत करते हैं WDV 1419 की 12,000। तो 1920 में हमने एक असेट खरीदी, तो ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड, और हमने जो असेट खरीदी है वो 5,000 की खरीदी है।
माइनस करते हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ असेट ट्रांसफर, तो हमारे पास WDV आ गया 31 मार्च 20 को, 17 माइनस 9 8000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा प्रीवियस ईयर 1920 का 25%, 2000, और हमारे पास ओपनिंग WDV आ गई 1/4/2020 की 6000। अभी तक के क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ था, अब हम क्या करते हैं इसमें प्लस करते हैं, जो इस साल नई एसेट खरीदी प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड वो नहीं है, माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन एसेट सोल्ड डेमोलिश ट्रांसफर्ड वो नहीं है, तो हमारे पास WDV आ गई 6000। लेकिन अब हमें रूल नंबर 8AC के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट करनी है हमें एज पर रूल 8AC, क्या करना है हमें रिमूव WDV ऑफ गुडविल, WDV गुडविल की हटानी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या कहा, ये एज्यूम करो कि गुडविल इकलौती एसेट है और उसको हटाओ। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम वर्किंग नोट में गुडविल की WDV पता लगाते हैं क्या है। तो हमें पता 1 अप्रैल 19 को हमें बता रखा है ना गुडविल की WDV 10,000 है, तो गुडविल की WDV 10,000 और हम मानते हैं यही इकलौती एसेट है। तो हमने इस पर इसे ना तो अब खरीदा ना बेचा और कुछ नहीं किया, हमने डिप्रिसिएशन लगाया होगा 20% 25%, तो क्या वैल्यू आ गई होगी 2500 का डिप्रिसिएशन लग गया होगा इसके ऊपर, और इसकी वैल्यू 1/4/20 को आ गई होगी 7500। अब यही वैल्यू हटानी है यहां से इस साल से, तो अब देखो हमारी WDV तो केवल 6000 है, अब इस 6000 में से 7500 कैसे हटाए बताओ। तो असल में क्या था, जब हमने कुछ सेल वगैरह करी तो ब्लॉक के अंदर इंडिविजुअल एसेट का प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता, तो ये जो 6000 है, ये 6000 WDV है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7500 गुडविल को और अदर एसेट को माइनस 1500, ये रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब तो हमें हटाना पड़ेगा, और आपको मैंने क्या सिखा रखा है, सेक्शन 50 सिखा रखा है ना, तो हम यहाँ पर 7500 अगर रिमूव करने लगे तो नेगेटिव WDV आ जाएगी, और नेगेटिव WDV आती है तो सेक्शन 50 में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, तो नेगेटिव WDV तो अब आ नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे 7500 और 6000 विच एवर इज लेस, तो 6000 तो हम लेस कर देंगे, तो हमारी WDV 31 मार्च 21 को क्या हो जाएगी निल, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा निल, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा कितना अंडर सेक्शन 50 1500, क्योंकि हमारी 6000 में से 7500 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50। तो कितना मजेदार था ये पूरा का पूरा पॉइंट कि हम केवल और केवल WDV हटा रहे हैं गुडविल की तो भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं आपको आराम से मिलेगा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको नई नई अमेंडमेंट और नई नई वीडियोज के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी लेवल पर किसी भी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ 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 जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन की।
हम लोगों को नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो रेट दे रखा है उसके अलावा हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा न्यू प्लांटर मशीनरी पर। ये एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने किया कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा न्यू प्लांटर मशीनरी परचेज करेंगे उतना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए क्या बोला गया कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए आपका और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होनी चाहिए, नंबर एक कंडीशन। कंडीशन नंबर टू कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको केवल न्यू प्लांटर मशीनरी पर लगेगा जो आपने खरीदी है और यूज करनी शुरू करी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल एक बार मिलेगा और वो भी जिस साल असेट खरीदी है उस साल पहले साल, मतलब लाइफ टाइम में एक बार नहीं, हर प्लांटेड मशीनरी जो न्यू परचेज करेंगे उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन आपको एक ही बार पहले साल मिलेगा, ये नहीं कि आप अगले साल भी एडिशनल डेप्रिसिएशन लेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ सिचुएशन में आपको नहीं मिलेगा। क्या है वो? शिप्स और एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत हैवी होती है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी काफी हैवी हो जाता है। दूसरी बात, आप यहाँ पर शिप्स और एयरक्राफ्ट से कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एनी प्लांटर मशीन विच हैज बीन यूज्ड इन और आउटसाइड इंडिया बाय द सेसी और एनी अदर पर्सन। देखिए, हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को विद द हेल्प ऑफ न्यू प्लांटर मशीनरी, वरना क्या करेंगे? अगर हम पुरानी प्लांटर मशीनरी पर भी आपको 20% का डेप्रिसिएशन देना शुरू कर देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो क्या करेंगे? आप पुरानी पुरानी एसेट खरीदना बेचना शुरू कर देंगे। उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है क्योंकि और इंडस्ट्रीज भी तभी चलेंगी जब न्यू एसेट खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी। एनी प्लांटर मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रमाइसिस और रेजिडेंशियल प्रमाइसिस, उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर ऑफिस में या रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। एनी प्लांटर मशीनरी हुज होल कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अगर कोई ऐसी एसेट है जिस पर 100% का खर्चा, मतलब 100% डेप्रिसिएशन पहले ही अलाउड हो गया है, तो उसके ऊपर और क्यों मिलेगा आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन? अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं और 100 रुपए का ही खर्चा आपको अलाउड हो रहा है, तो उसमें 20 रुपए का और कहां से अलाउ कर दें? इसलिए वो भी नहीं मिलेगा। कोई बिल्डिंग और फर्नीचर पर आपको नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, केवल प्लांटर मशीनरी के हेड में ही मिलेगा। अगर आपको असेट आपने 180 डेज से कम खरीदी है, वही बिल्कुल यूज करिए 180 डेज से कम, तो इस पर भी हाफ, मतलब 10% का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि इसको कैसे, एडिशनल डेप्रिसिएशन को कैसे डील करना है। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो इसका मतलब ये तो मैन्युफैक्चरिंग है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है। और प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग ब्लॉक बता रखा है, परचेजेस बता रखा है और 1 अक्टूबर को यूज कर लिया, तो हमने डेट देखी थी कि अगर 3 अक्टूबर के बाद में यूज करते हैं तो हाफ लगता है, ये पहले यूज कर लिया तो फुल लगेगा डेप्रिसिएशन। सेल प्रोसीड्स जो ऑब्सिलीट हो गई है, एसेट बेकार हो गई है, पुरानी है, उस पर फर्दर आउट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी परचेज जो 2 लाख की परचेज करी है उसमें से 20,000 की ऑफिस में इंस्टॉल हुई है, तो उस पर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की यूज करी है, पुरानी एसेट है, उस पर भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि पहले उसको यूज किया जा चुका है सेलर के थ्रू। हमें डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग WDV 5 लाख, इसके अंदर हम प्लस करते हैं
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट एक्वायर्ड 2 लाख, तो टोटल वैल्यू हमारी हो गई 7 लाख। माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ काउंटर मशीनरी सोल्ड 5000, तो 6,95,000 हो गया क्लोजिंग WDV। इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे नॉर्मल, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% लगेगा पूरे साल का, क्योंकि कोई भी एसेट ऐसी नहीं है जो हमने 180 डेज से कम यूज करी हो। कितना आया? 1,04,250 हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू एसेट, जो न्यू एसेट हमने खरीदी है वो 2 लाख की खरीदी है। इस 2 लाख में से हमने अभी नोट में ए और बी में पता चल गया कि 40,000 की एलिजिबल नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। तो 1,60,000 की एसेट एलिजिबल है। इसके ऊपर 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होगा 32,000। हमारी ओपनिंग WDV वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगी कितना? 5,58,750। ये नेक्स्ट ईयर के लिए आ गई। तो हमने देखा एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है हमें, जब हम कोई न्यू असर खरीदते हैं तो उस न्यू एसेट के फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर में ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एडिशनल डेप्रिसिएशन का। बहुत सिंपल सी बात है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए, अगर 180 डेज से कम है तो आधा इस साल आधा नेक्स्ट ईयर लगेगा। कंडीशन ये है कि पुरानी एसेट नहीं हो, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर कभी उसे यूज़ ना किया गया हो, और ऑफिस में नहीं लगाना है आपको, बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर प्लांटर मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मिस्टर एक्स है, वो बिजनेस है उनका जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए ऑप्शंस होते हैं कि वो चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से भी डेप्रिसिएशन, केवल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते, चाहे तो वो WDV मेथड से लगा ले। ये WDV से लगाते हैं। तो ब्लॉक सिस्टम है, जैसा हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वैसा ही है। इनके लिए बता रखा ओपनिंग WDV 42 लाख, न्यू मशीनरी परचेज की है प्रीवियस ईयर में 12 अक्टूबर को, तो हमने बात की थी कि 2-3 अक्टूबर के बाद में अगर एसेट परचेज किया है तो 180 डेज से कम टाइम ही होता है तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, 10 लाख है। और मशीनरी इंपोर्ट हुई है कोलंबो से 12 अप्रैल को, तो ये तो 180 दिन से ज़्यादा है, 9 लाख रुपए है, लेकिन ये पुरानी एसेट है तो इस पुरानी एसेट होने की वजह से हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है ना, और न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है, जनरेशन विंग ऑफ द यूनिट, मतलब ये भी फैक्ट्री में लगा है कंप्यूटर, और 15 जुलाई को लगा तो 180 डेज से ज़्यादा है, इस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर पर 40% है डेप्रिसिएशन का रेट, और बाकी अदर जो हमारी प्लांटर मशीनरी है इस पर 15% का डेप्रिसिएशन का रेट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 15% वाले ब्लॉक की। है ब्लॉक प्लांटर मशीनरी का ही, ओपनिंग WDV 42 लाख दिया है, और हमने न्यू मशीनरी परचेज किया है, न्यू मशीनरी हमने परचेज किया है और 10 लाख रुपीस, और 9 लाख टोटल 19 लाख। ठीक है, और एक
कंप्यूटर लगाया है, कंप्यूटर पे 40% है और उस पर ओपनिंग WDV भी नहीं है। न्यू कंप्यूटर है 2 लाख का, लेस सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड कंप्यूटर वो नहीं है, लेस सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड मशीनरी, तो मशीनरी कोई हमने बेची नहीं है। ये जो टोटल है ये 61 लाख है, क्लोजिंग WDV और यहाँ पर क्लोजिंग WDV है 2 लाख। अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 61 लाख में सबसे पहले तो वो मशीनरी अलग कर लेते हैं जो 180 डेज से कम यूज हो रही है और वो है 10 लाख का 7.5%, हाफ है, 15% का हाफ डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये लेस देन 180 डेज यूज हुई है। ठीक है, तो 10 लाख का 7.5% हो गया 75,000। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा क्योंकि न्यू मशीनरी है, तो 10 लाख पर 10% आधा लगेगा 1 लाख। तो ये तो हमने बात की जिस पर हमें हाफ डेप्रिसिएशन लगना था, अब ये 10 लाख के ऊपर हमने लगा दिया है, बची हुई वैल्यू 42 और 951 है और ओपनिंग पे तो पूरा लगेगा और जो थर्ड पॉइंट में है 9 लाख उस पर भी पूरा लगेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पर नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग कि ये असेट पहले कोलंबो में यूज हो चुकी है, तो ये सेकेंड हैंड असेट है। हमारे पास नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बची हुई 51 लाख है जिस पे हमें 15% का डेप्रिसिएशन लगाना है, 7,65,000। क्लोजिंग WDV हमारे पास आ जाएगी 61 लाख माइनस 75,000 माइनस 1 लाख माइनस 7,65,000, तो 51,60,000 रुपीज हमारा ओपनिंग WDV और नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। और ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन है न्यू कंप्यूटर पर फोर्टी परसेंट आ जाएगा 80,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2 लाख का 20%, 40,000। तो ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर 80,000 रह जाएगी। तो हमसे पूछा था डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो नॉर्मल और एडिशनल दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर बिजनेस सक्सीड होता है, सेल आउट हो गया, अमलगमेशन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो डेप्रिसिएशन होगा वो
परचेजिंग कंपनी भी क्लेम करेगी या सेलिंग कंपनी क्लेम करेगी या प्रोपोर्शनेट होगा, क्या होगा, तो उसके लिए हमें बता रखा है, इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी अपोर्शन बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द असेट वर यूज बाय द। तो प्रोराटा बेसिस पर हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे कि वेंडर और परचेजर उन दोनों ने कितने कितने दिन के लिए इस असेट को यूज किया और उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इफ द असेट एग्जिस्टेड एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, मान लिया पहले दिन थी वो असेट, देन टोटल टाइम विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंड 31 मार्च। तो प्रीवियस ईयर के पहले दिन से ईयर एंड तक टोटल 365 डेज या 366 डेज हो जाएंगे और उसमें हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लिया असेट साल के पहले दिन थी नहीं, हमने बीच में खरीदी असेट और उसके बाद बिजनेस बिक गया, अगर वो नहीं थी तो जिस दिन से वो पुट टू यूज हुई है उस दिन से टाइम स्टार्ट होगा और ईयर एंड तक चलेगा। यहां पर हमारा सक्सेशन ऑफ बिजनेस का मतलब है अमलगमेशन, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है या एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है, या डीमर्जर होता है, एक कंपनी के दो हिस्से हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है कंपनी का। कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म इनटू द कंपनी, एक इंडिविजुअल को कंपनी ने खरीद लिया, पार्टनरशिप को कंपनी ने खरीद लिया, कंपनी से पार्टनरशिप बन गई, तो इन सब सिचुएशन में हम ये काम करेंगे। एज पर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड कंसिडरिंग दैट नो सच अमलगमेशन एक्सेट्रा हैज टेकन प्लेस एंड डेप्रिसिएशन सो कंप्यूटेड शैल बी अपोर्शन बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो नंबर ऑफ डेज। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो आप ये मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कुछ बेचा ही नहीं बिजनेस, और नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन निकालो, उसके बाद में उसको नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड कर दो। देखते हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से, एक्स लिमिटेड है, इनके पास 15% वाला ब्लॉक है जिसका WDV साल के शुरू में 40 लाख रुपए है। इन्होंने एक और एसेट खरीदी है सेम ब्लॉक में 1 नवंबर को। अब ये तो पता चल गया 1 नवंबर को खरीदी है तो इस पर 180 डेज से कम होने की वजह से हाफ रेट लगेगा डेप्रिसिएशन का, 14,40,000 में, और उसी दिन यूज कर लिया। इनका अमल कमीशन हो गया 1 जनवरी से। हमें बताना है डेप्रिसिएशन कैसे कैसे लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, हमने कहा ना हम नॉर्मल बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि कुछ अमल कमीशन वगैरह हुआ है और हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग WDV 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, हमें दिया हुआ है 40 लाख रुपीस, इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14,40,000। तो हमारे पास 54,40,000 WDV आ गया फॉर द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 54,40,000 की WDV आ गई। 15% का डिप्रिसिएशन लगेगा 40 लाख पर, 6 लाख रुपीस, और 15% इंटू हाफ 14,40,000 पर लगेगा, क्योंकि लेस देन 180 डेज हमने यूज किया है इसे, यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो 14,40,000 पर 15% हाफ कितना आता है, 1,08,000। तो 1,08,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया न्यू असेट के ऊपर। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन सेवन लैख 8,000 हो गया। अब ये 7,08,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये डिवाइड होगा प्री कंपनी, जो पहले कंपनी है उसको मिलेगा और बाद वाली कंपनी को मिलेगा। हाँ ये बात है कि ओपनिंग WDV को नेक्स्ट ईयर वो तो परचेजिंग कंपनी के लिए ही आएगी, वो हो जाएगी हमारी 54,40,000
40,000 माइनस 7,08,000। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग WDV क्या होगी परचेजिंग कंपनी के लिए 47,32,000। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में कैसे कैसे डेप्रिसिएशन को क्लेम करेंगे। तो हमें वाई लिमिटेड के लिए तो पता चल गया क्या नेक्स्ट ईयर के लिए WDV रहेगी, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है उसको हमें डिवाइड करना है। अब 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक सबसे पहले हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुरानी एसेट थी वो ईयर के स्टार्टिंग से थी हमारे पास और अमलगमेशन हुआ है 1 जनवरी को। तो हमें 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक के डेज निकालने पड़ेंगे और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च तक के डेज निकालने पड़ेंगे। इसी रेशो में हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम देखें कि कितने दिन हो गए हैं, तो अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, 275 डेज होते हैं। अगर आपका नॉर्मल ईयर है तो बचे हुए 90 डेज हो जाएंगे, लीप ईयर है तो आप 91 डेज कर लीजिएगा। मैं नॉर्मल ईयर के हिसाब से बता रहा हूं। तो यहां पर जो 6 लाख का डेप्रिसिएशन है वो एक्स लिमिटेड के पास में आएगा 6 लाख इंटू 275 अपॉन 365, 6 लाख इंटू 275 डिवाइड बाई 365, 4,52,054.79, तो 55 रुपीज ले लेता हूँ। तो 4,52,055 रुपीज एक्स के पास आ जाएंगे फर्स्ट मशीन से। और अगर मैं सेकंड मशीन बात करूं, सेकंड मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है 1,08,000 का और ये मशीन 1 नवंबर को परचेज की थी। तो न्यू असेट 1 नवंबर से लेकर 1 जनवरी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, तो 61 डेज होते हैं। अब मुझे आगे के डेज भी ऐड करने पड़ेंगे टोटल डिवाइड करने के लिए, क्योंकि मैं 365 से डिवाइड नहीं कर सकता, 365 डेज तो है ही नहीं ना। तो 61 डेज हो गए नवंबर से जनवरी तक, ये तो न्यूमरेटर के लिए हो गए। डिनोमिनेटर के लिए मुझे आपको जनवरी के 31, फेब के अगर नॉर्मल ईयर मानो 28, अगर आपका ईयर लीप है तो 29 ले लीजिएगा, और मार्च के 31, तो 31, 28 और 31 90 डेज और ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो मेरा डेप्रिसिएशन है 1,08,000 इंटू 61 डिवाइड बाय 61 प्लस 90, 151, तो ये अमाउंट आ जाएगा मेरा 1,08,000 इंटू 61 डिवाइड बाय 151, 43,629। तो इसे मैं कैसे बता सकता हूं सिंप्लीफाइड मैनर में कि ये जो 6 लाख है एक्स के पास और वाई के पास कितना आएगा। तो 6 लाख में एक्स के पास आएगा 6 लाख इंटू 275 अपॉन 365 और वाई के पास आएगा 6 लाख इंटू बच्चों का दिन होगा 365 माइनस 275 90 अपॉन 365। तो ये अमाउंट आ गया हमारा x के लिए और y के लिए। ये मैंने प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि प्रेजेंटेशन ठीक आ जाए हमारी, तो ये अमाउंट आ गया 4,52,055 रुपीस और इसके पास आ जाएगा 1 लाख
945। अब जो सेकंड मशीन है उससे रिलेटेड मैं बात करता हूं, तो 1,08,000 इंटू 61/151, और जो वाई है उसके पास आएगा 1,08,000 इंटू 90/151। इसके इसके पास आया 43,629, और इसके पास आया 64,371। अगर हम देखें तो टोटल हम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा 452,55 प्लस 43,629, 4,95,684 और 147,945 प्लस 64,371 212,316। इन दोनों का टोटल 7,08,000 होना चाहिए क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन हमारा यही था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ये हमें पता चल जाएगा। तो काफी सिंपल है वैसे तो देखा जाए तो, हमें बस क्या करना है डेज के रेशियो में अगर कोई पुरानी एसेट है तो ईयर के पहले दिन से लेके एंड तक का 365 डेज में रेशियो डिवाइड करेंगे, और कोई नई एसेट खरीदी है तो जिस दिन खरीदी है वहां से हम रेशियो निकाल लेंगे। बाद वाली कंपनी परचेजिंग कंपनी के लिए नंबर ऑफ डेज हमेशा सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पर वाई के लिए 90 डेज है क्योंकि, लेकिन अगर ये कोई एसेट हम लोगों ने सपोज फेब में खरीदी होती तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन दूसरी वाली वाई को ही मिलता क्योंकि पहले ये एक्स के पास ही नहीं। ठीक है, मैसेस एक्स वाई एंड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, और इन्होंने अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट किया है, एक्स वाई एंड कंपनी, और दिसंबर 29 से इन्होंने कन्वर्ट किया है। WDV 1 अप्रैल की हमें दे रखी है। बिल्डिंग है हमारे पास 50 की, फर्नीचर है 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है 15,000। 15 अक्टूबर को हमने करंट प्रीवियस ईयर में परचेज किया एक प्लांट जिसका डिप्रिसिएशन का रेट 15% है, और उसी दिन यूज करना शुरू कर दिया है। कन्वर्जन के बाद में इन्होंने एक और प्लांट खरीदा है 50,000 रुपये का 1 जनवरी पर, और इसी दिन इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है। अब हमें बताना है कि डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा एक्स वाई एन कंपनी जो पहले थी और एक्स वाई कंपनी लिमिटेड जो बाद में है, तो उनको कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कितना डिप्रिसिएशन इनको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग की ओपनिंग WDV है 3,50,000। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने प्लांट खरीदा है, दोनों जो खरीदे हैं प्लांट ही खरीदे हैं और कुछ भी नहीं खरीदा है, तो हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे बिल्डिंग पर 10%, 35,000, जो कि एक्स वाई एन कंपनी और एक्स वाई कंपनी लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशो ऑफ डेज। तो डेज हमारे कितने हैं, 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 29 तक हम लोग इसको डेज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे डेज कितने आ गए हैं। तो आप लोग डेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डेज हो गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और जो दिसंबर है दिसंबर में 29 से इनका जो है बिजनेस चला गया है। तो अगर हम 28 डेज कैलकुलेट करें,
72 days हो गए। और 93 days हमारे बाद में बचे हैं। अगर आपका लीप ईयर है तो 94 days हो जाएंगे, वो देख लीजिएगा आप लीप ईयर है या नहीं। तो मैं नॉर्मल तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, अगर लीप ईयर होगा तो आप डिवाइड बाय 366 कर देंगे और 93 की बजाय 94 days ले लेंगे। तो इस 35,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ इस रेशो में 272 डिवाइड बाय 365। ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एटी टू रुपीज़ आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद, और बाकी 35,000 × 93 / 365 8,918। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर हमारा था 50,000, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन है 10%, 5,000 × 272 / 365 तो ये हो जाएगा 3,726। ये हो जाएगा 1,274। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग WDV है 2 लाख। हमने इसमें एसेट परचेज करी है एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड, और XYN कंपनी ने अक्टूबर 15 को एक्वायर करा है 1 लाख। और कन्वर्जन के बाद में कंपनी ने एक्वायर किया है अलग से 1 जनवरी को, तो वैसे तो हम सब पर एक साथ ही डेप्रिशिएशन लगा देते हैं, लेकिन अगर मैं इस पर डेप्रिशिएशन लगा दूं 15% तो 2 लाख का 15% हो गया 30,000 रुपीज़। तो 30,000 को 272 और 93 के रेशो में डिवाइड कर देंगे ₹22,356 और ₹7,644। इसके बाद जो न्यू असेट परचेज की है October 15 को 1 lakh rupees की, तो ये लेस देन 180 days यूज हुई है, तो इस पर 15% आधा लगेगा डेप्रिशिएशन, तो 7,500 लगेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि 15 अक्टूबर से दिसंबर 29 तक कितने दिन हुए हैं,
और उसके बाद के तो हमें 93 डेज पता ही है। तो अक्टूबर में 17 डेज, नवंबर और दिसंबर, तो हमारे पास 75 डेज आ गए हैं। 75 डेज हमारे पास पहले के पीरियड में है, तो 7500 इंटू 75 डिवाइड बाय 75 प्लस 93, 168 डेज, और 7500 इंटू 93 अपॉन 168, ये 3348 और 4152। ये जो न्यू एसेट परचेज की है कंपनी ने, उसके ऊपर आ गया जो बाद में परचेज करी गई है, पहले खरीदी गई थी एक और प्लांटर मशीनरी खरीदी है कंपनी ने 50,000 की 1 जनवरी को। तो न्यू प्लांटर मशीनरी 1 जनवरी को जो खरीदी किया गई है 50,000 की, ये भी लेस देन 180 डेज है, और इसके ऊपर भी 15% का हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा 3750। लेकिन क्योंकि ये कंपनी ने कन्वर्जन के बाद में खरीदी है, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन मिलेगा केवल कंपनी को ही मिलेगा, पार्टनर प्रोप्राइटरशिप फर्म को नहीं मिलेगा। टोटल कर लेते हैं 26,082, 3,726 और 22,348, 55,512 रुपीस का डिप्रिसिएशन प्रोप्राइटरशिप फर्म को मिलेगा, और 8918127476444 और 3750। 20 ये हमारा हो गया 8918127476444152 or 3750, 25,738। इसे चेक कर सकते हैं हम टोटल डेप्रिसिएशन से, सो दैट हमें पता चल जाए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 35,000, 5,000, 30,000, 7,500, 3,750, तो टोटल डेप्रिसिएशन है 81,250, और अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो भी 81,250 ही आता है। इसका मतलब हमारा ब्रेकअप में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है।